गांधी ने भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने चीन मसले पर कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजों को स्पष्ट नहीं किया है जो साफ होनी चाहिए। भारत सरकार की पोजिशन मामले की शुरुआत से ही अप्रैल में पहले की स्थिति लागू की जाएगी, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि जो जगह पहले फिंगर 4 पर थी अब फिंगर 3 पर सहमति आखिर क्यों जताई है। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंट्री 2020 अप्रैल 2020 उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेपसांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। आवर सोल्जर्स रिस्क एवरीथिंग दे हैड टू गो टू कैलाश रेंजेस। दैट्स वेयर द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इफ एनी अरोज। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज गिवन बैक द लैंड, स्टेटस को एंटी इज इरेलेवेंट, कैलाश हैज बीन गिवन बैक एंड नथिंग हैज हैपेंड ऑन द की एरिया विच चाइना वॉन्ट्स, डेपसांग प्लेन्स। दिस इज एब्सोल्यूट 100% कावर्डिस, दिस इज नथिंग एल्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अ कावर्ड हु कैनॉट स्टैंड अप टू द चाइनीज, दैट्स द फैक्ट, एंड ही इज स्पिटिंग ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ आर आर्मी। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बिट्रेइंग द सैक्रिफाइस ऑफ आर आर्मी एंड नोबडी।